दुर्ग जिले में आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर जिले के राजीव भवन में कांग्रेस पार्टी की एक बैठक आयोजित की गई। आयोजित बैठक में दुर्ग लोकसभा कांग्रेस प्रत्याशी राजेंद्र साहू विशेष रूप से उपस्थित रहे। वहीं इस बैठक के दौरान दुर्ग लोकसभा प्रत्याशी राजेंद्र साहू ने बताया कि चुनाव को लेकर लगातार युवाओं की टीम सक्रिय है और हर बूथ पर जाकर अपना काम करेगी और आने वाले चुनाव में इसका फायदा जरूर देखने को मिलेगा। बताया जा रहा है कि आयोजित बैठक में 400 से 500 लोगों के आने की उम्मीद थी, लेकिन मास गिनती के ही कांग्रेसी पहुंचे, जिसको देखते हुए लोकसभा प्रत्याशी ने जमकर युवा कांग्रेसियों को लताड़ लगाई। हमारे जितने कार्यकर्ता ग्रुप जिले के हैं, सब काम कर रहे हैं। ग्रुप लोकसभा कोई नहीं गया है, कुछ प्रमुख लोग गए हैं, वो भी जल्द आ जाएंगे, लेकिन हमारे बूथ स्तर के, जोन स्तर के, सेक्टर स्तर के, ब्लॉक के पदाधिकारी, जिला के पदाधिकारी, अलग प्रकोष्ठ के पदाधिकारी हमारे सब यहाँ रह के अपने अपने बूथों में काम कर रहे हैं और कांग्रेस की जो भावी योजना है, जनहितकारी योजना है, उनको जनता के बीच में लेके जा रहे हैं और भाजपा